तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। मैं आपका पंकज सर, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय पंकज सर में स्वागत है आपका। और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है और आप अच्छे ज्यादा लोग वीडियो को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। तो आज का हमारा लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 3 लेसन नंबर 2 का। और जो लेसन नंबर 2 है, मापन मात्रक तथा त्रुटि विश्लेषण, ये लेसन नंबर 2 है। इसी का लेक्चर नंबर हम 3rd पढ़ेंगे आज। और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या, इस लेक्चर में मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग लंबाई का क्या पढ़ेंगे, मापन करेंगे। लंबाई का मापन जो किया जाएगा वो दो तरह से करेंगे। लंबाई का मापन कितने तरह से किया जाएगा? दो तरह से किया जाएगा। और उस लंबाई के मापन को हम थोड़ा समझते हैं, राइट? और इसमें बहुत मजेदार मैं चीज बताने वाला हूं। लंबाई का मापन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष होता है। उसमें आपको लंबन विधि बताया जाएगा, पैरालैक्स मेथड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा मजेदार है। और उसी पैरालैक्स मेथड पे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो आपको एकदम मजा आने वाला है। तो दोस्तों स्टूडेंट, आप अपनी कॉपी और कलम को निकालिए और आप लेक्चर को एकदम ध्यान से देखिए और उसे नोट्स कर लीजिए, बहुत मजा आने वाला है। तो आइए हम लोग देखिए लंबाई का मापन करेंगे। तो हमने आपको बता दिया कि इसमें कितनी विधियां, दो विधियां। कौन कौन से भाई? एक प्रत्यक्ष होगा और दूसरा जो होगा अप्रत्यक्ष, राइट? ओहो, प्रत्यक्ष मीन्स ऐसा कि जिसे हम लोग आराम से देख सके, नाप सके, ऐसा सोच लो। अप्रत्यक्ष में उसे हम नाप तो सकते हैं लेकिन उसे थोड़ा सा समझ, मतलब यूं सोचो कि इनडायरेक्टली रूप से माप सकते हैं, डायरेक्ट नहीं हो सकता। प्रत्यक्ष में जैसे कुछ चीजें मैं आपको गिनवा देता हूं, अप्रत्यक्ष का हम लोग डिटेल करेंगे। तो हम इसमें प्रत्यक्ष मापन कर सकते हैं। तो प्रत्यक्ष रूप से मापन हम किन किन तरह से कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए हम मीटर पैमाने से मापते हैं, मीटर पैमाने से मापते हैं, ओके? इससे मापन किया जाता है। तो इससे हम लोग बहुत दूरी तक भी माप लेते हैं मीटर पैमाने से, बहुत ज्यादा बड़ी भी नहीं होती है, मिनिमम भी माप सकते हैं, सबसे छोटा से छोटा भी माप सकते हैं इससे। तो इससे हम लोग मापन कर सकते हैं किसका भाई, न्यूनतम, कौन से न्यूनतम किसका? तो हम लोग इससे मिनिमम 1 मीटर का कर सकते हैं, मिनिमम, है ना भाई? इसमें हम लोग मिनिमम 1 मीटर का हम लोग कर सकते हैं, मिनिमम 1 मीटर मेजर कर सकते हैं इससे। उसी तरह हम लोग इसको हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे, आप कहेंगे तो इसका मैं लेक्चर करूंगा एक एक का, बड़ा मजेदार मजा आएगा इसको पढ़ के। तो एक वर्नियर कैलिपस, वर्नियर कैलिपर्स, कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स से हम लोग मेजर कर सकते हैं कितनी बड़ी डिस्टेंस को। हम लोग इससे मेजर कर सकते हैं कि 0.1 मिलीमीटर रहेगा, एकदम मिनिमम, छोटी से छोटी, इतना हम लोग मेजर कर सकते हैं। अगर हम बात करेंगे कि भाई आप स्क्रू गेज की बात कर लीजिए, स्क्रू गेज की बात कर लीजिए, जो पेच मापी जिसे आप कहते हो, तो ये आपको माप कर दे देगा 0.01 मिलीमीटर, इतना ये मेजर कर लेता है। ये सब जो मेजरिंग है उसे हम लोग प्रत्यक्ष मेजरिंग कहते हैं, प्रत्यक्ष मेजरमेंट कहते हैं, डायरेक्ट मेजरमेंट कहते हैं। तो ये को हम लोग बड़े आराम से माप सकते हैं, ये मिनिमम डिस्टेंस होती है। अब उसे हम लोग मैक्सिमम भी कुछ माप सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा हो, लाखों किलोमीटर करोड़ों किलोमीटर हो, तो हम लोग उसको मापने के लिए थोड़ा सा ये वाला सहारा नहीं काम करेगा। तो इसके लिए एक अलग तरीका बनाया गया जिसको अप्रत्यक्ष कहेंगे, और उस अप्रत्यक्ष में हम लोग उसको मेजर करेंगे। आइए देखते हैं, तो इसे आप देख लीजिए, बस इसको हम लोग हटाएंगे, तुरंत मिटाएंगे, चलो। तो इसमें देखिए अप्रत्यक्ष जो होता है वो अप्रत्यक्ष में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अप्रत्यक्ष में एक विधि हम पढ़ने जा रहे हैं, ये लंबन विधि, लंबन विधि। इसे आप बोलोगे
पैरालेक्स मेथड, इसे हम लोग पैरालेक्स मेथड कहते हैं, पैरालेक्स मेथड। ये देखिए जो लंबन विधि है पैरालेक्स मेथड, इससे हम लोग किसे मेजर करते हैं, किसी तारे या ग्रह के भी दूरी हम मेजर करते हैं। तो इस विधि से हम क्या करते हैं, मैं यहां लिखता हूं, इस विधि से पृथ्वी से तारे या ग्रह की दूरी मापी जाती है। मतलब हम लोग ऐसे नहीं लगाएंगे कि आप एनसी टेप पकड़े भाई ले जाओ इसको अर्थ तक लेके जाओ, इसमें लगी खाली की थोड़ा इसको पूछ दिया जाए भाई अच्छा लग गई है इसमें बाहर आ गई, ऐसी नहीं थी बाहर आ गई। तो इसमें क्या हुआ कि हम लोग पृथ्वी से एक स्केल लेके जाएं और उसे मीजर करते करते वहां पहुंच जाए आराम से, हम लोग एक इंची टेप से माप सकते हैं, ऐसा नहीं होता भाई। हम लोग इसके लिए एक अलग विधि अपनाते हैं, उस विधि को हम पढ़े हैं, उसका विधि का नाम है लंबन विधि पैरालेक्स मेथड। तो इस पैरालेक्स मेथड की सहायता से हम लोग तारे ग्रह की दूरी माप लेते हैं। अब कैसे मापते हैं, क्या होता है इसमें, तो यहां पर देखिए जो पैरालेक्स मेथड होता है इसका क्या मतलब होता है मैं समझाता हूं, बड़ा मजा आएगा इसको समझ के, एकदम एंजॉय फुल वाला, बड़ा एकदम इंटरेस्ट एंजॉय जिसको पैरालेक्स जो मेथड है, वाओ पैरालेक्स मेथड की जो बेसिक मीनिंग है या फिर कह दो उसकी जो मीनिंग है वो क्या है, बेसिक मीनिंग मतलब इसका मतलब। अच्छा अंग्रेजी में सर पढ़ा रहे हैं, हिंदी में पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी लिख रहे हैं ज्यादा, इतनी तो अंग्रेजी समझ में आती है ना। इसका बेसिक मतलब ये है कि एक ही वस्तु को दो अलग अलग लोकेशन, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, अलग अलग लोकेशन से देखने पर वस्तु की पोजीशन, दिख रहा वो नहीं दिख रहा, चलो जानते इधर आगे बढ़ा देते हैं, वस्तु की पोजीशन मीन्स स्थिति, पोजीशन क्या हो जाती है, बदल जाती है, चेंज हो जाती है, बदल जाती है, इसकी पोजीशन बदल जाती है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है, वास्तव में यहां पर लिख दें वास्तव में ऐसा नहीं होता है, यहां लिख दे, दिख रहा है वो, ओहो हो पोजीशन गड़बड़ा गया भाई, तो यहां पर मैं पोजीशन को इधर लिख देता हूं, नीचे तो दिखेगा ही नहीं, ऊपर लिख देते हैं पोजीशन को यहां पर, ये जरूरी है कि आपको दिखना चाहिए है ना, उसकी पोजीशन क्या हो जाती है, बदल जाती है। वास्तव में ऐसा नहीं होता है, इधर क्या मिटाते हैं, देख लो एक बार, ऐसे तो सब छाप सकते हो, देख लो आराम से, बड़ा मजेदार है। इसका मीनिंग क्या है, इसकी मीनिंग पैरालेक्स मेथड की ये है कि हम एक वस्तु को दो अलग अलग पोजीशन से देखते हैं, एक ही वस्तु को, पोजीशन कहीं हो गई, एक पोजीशन कहीं हो गई, तो हम देखते हैं तो उसकी जो स्थिति है वो चेंज हुई नजर आती है ना भाई। यहां पर से हम देखते हैं एक बार पोजीशन हमारा ये होता है, एक बार पोजीशन ये होता है, तो हमें लगता है कि ये वस्तु की पोजीशन बदल गई है, परंतु ऐसा नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको थोड़ा आगे बढ़ाना चाहते थे, इसलिए मैंने सोचा आपको थोड़ा सा नोट कर लें, नहीं तो मैं इसी के ऊपर लिख दूं, वास्तव में ऐसा नहीं होता। इतनी बात तो समझ में आ गई। पैरालेक्स मेथड का क्या मतलब है, पैरालेक्स मेथड हम कहां यूज करते हैं, लंबन विधि, बहुत दूर की वस्तुओं को निकाल दूरी ज्ञात करनी होगी, तारे ग्रह नक्षत्र ग्रह की दूरी ज्ञात करनी हो तो हम इसका यूज करते हैं।
और इसका वास्तविक मतलब ये होता है कि हमारी जो पोजीशन बदल जाए, हमारा लोकेशन अलग अलग लोकेशन से एक वस्तु को अलग अलग लोकेशन से देखते हैं तो उसकी स्थिति क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, परंतु ऐसा होता नहीं है। अब ये चीज है, हम इसे मैं हटा देते हैं, चलो इसे हटा दिए। अब इस लंबन विधि को थोड़ा समझने का हम प्रयास करते हैं। अब इसे समझने के लिए हम इस सबको क्या करेंगे, गायब कर देंगे। आइए समझते हैं कुछ चीजें, बहुत सारी चीजें यहां पर एकदम बड़े मजेदार करने वाली है, एकदम समझ में बेहतर आएगा। आप सोचो कि आप इस मार्कर की, मेरी तरफ देखना, मार्कर लिए हो और मैंने मार्कर लिया, आप पेन ले सकते हो, तो आप इसको एक बार इस तरह करके एक आंख बंद करके देखते हो, दिखा भैया। अब फिर इस आंख को खोल दो, दूसरी आंख बंद करके देखो, ये लगेगा इसकी पोजीशन बदल गई, इसकी पोजीशन क्या कर गई है, बदल गई है, इसकी पोजीशन क्या कर गई है, बदल गई है, परंतु ऐसा तो नहीं हुआ है। आपको लगेगा कि हाथ हिल गया क्या यार, हो हाथ हिल गया भैया, देख लियो ऐसे, ऐसे चेंज हुई टुक 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 करके। तो यहां पर जो चेंजिंग हुई है उसकी पोजीशन अपेरेंट रूप से बदल रही है, वो पोजीशन जो अपेरेंट रूप से बदल रही है, कहने का मतलब आभासी रूप से, उसी चीज को हम कहते हैं लंबन, उसी चीज को हम क्या कहते हैं, लंबन कहते हैं, राइट। तो हम लोग इसमें हम क्या करें कि इसे यदि हम एक पेंसिल को क्या करते हैं, अलग अलग पोजीशन से देखते हैं, एक पेंसिल को, पेंसिल की नोक को हम क्या करते हैं, एक अलग अलग पोजीशन से देखते हैं, तो उसकी स्थिति क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो जो उसकी स्थिति बदलती है, ओके, जो स्थिति उसकी चेंज होती है, बदलती है, उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, जो स्थिति उसकी बदल रही होती है उसे हम लोग लंबन कहते हैं। जो आभासी रूप से चेंज हो गई है, स्थिति यहां से इधर हो गई है, उस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, लंबन कहते हैं। लंबन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब कि हम अगर उसको देखते हैं, एक बार इस आंख से देखते हैं, एक बार इस आंख से, हमें लगता है इसकी पोजीशन क्या हो गई है, चेंज हो गई है, और वास्तव में इसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई है। और यहां पर पोजीशन चेंज नहीं हुई है तो जो उसका हम लोग विस्थापन देखते हैं, यदि थोड़ा सा आप लिखना चाहो तो देख सकते हो, यदि एक पेन को, एक पेन को एक बार एक आंख से, एक आंख, एक आंख से देखते हैं, देखते तथा दूसरी आंख से देखते हैं, तो वस्तु की पोजीशन क्या हो जाती है भाई, पोजीशन बदल जाती है, बदल जाती, ठीक। इस आभासी, इस आभासी परिवर्तन को लंबन कहते हैं, लंबन कहते हैं, यानी मतलब हम लोग इस चीज को लंबन कहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, नॉट प्रॉब्लम भाई, नॉट प्रॉब्लम। इसको हम चलो यस कर देते हैं, इसे हम बी कह देते हैं। इसमें जो उसके एंगल में चेंजिंग हुआ है, कोण जो बदलता है, टक टक, इसका जो कोण बदल रहा है यहां से, इसकी पोजीशन बदलने से, तो इस कोण का नाम होता है लंबन कोण, लंबन कोण। क्या करता है ये, इस कोण का नाम है लंबन कोण, जो उसकी पोजीशन को अपरेंट कर ले रहा, बदल दे रहा, जैसे लग रहा है कि बदल रहा है।
तो इसमें से अगर हम सोचें कि ये एक सेंटर होता और ये इसकी एक परिध होती, ऐसा एक वृत्त बनता, तो ये भाई इस परिध का एक छोटा सा भाग होता और ये इसका केंद्र, ये इसकी त्रिज्या, ये वाली इसकी त्रिज्या। तो हम कोण बराबर क्या लिखते भाई, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, यही ना लिखते भाई, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण कितना थीटा, चाप कितना बी, इसका रेडियस कितना यस, तो बी बराबर कितना थीटा गुणे यस, हम ऐसा फॉर्मूला निकाल लेते, इस तरह का बन जाता। यहां पर एक चीज है, थोड़ा सा उसे गौर से समझिएगा कि ये देखिए कोण जितना बड़ा होगा ये वाला, उतना ज्यादा इसमें इसकी स्थिति में हमें परिवर्तन नजर आएगा। अरे ये अजीब सी बात है, कोण जितना ज्यादा बड़ा होगा उसकी स्थिति में परिवर्तन उतना तेजी से होगा। अब समझिए कि यहां पर ऐसे ये मैं दो पॉइंट ले लेता हूं टक करके ऐसा, ठीक, यहां ए है, ये चलो बी है, यहां पर कोण जितना बड़ा होगा उसकी स्थिति में हमें परिवर्तन उतना ज्यादा नजर आएगा, ये चलो पी है। फिर मैंने इसी पोजीशन से एक दूर कोण बना दिया, इसे चलो थीटा वन, ये थीटा टू, इसका नाम लिख देते हैं क्यू, ये पी था। फिर एक इसी से हम लोग और दूर पोजीशन लेते हैं ऐसे करके, थोड़ा सा सही बन नहीं रहा है तो ऐसे बना दीजिए, चुक 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 चुक, ऐसे कोण बनाते हैं। अच्छा चलो इसे हम ऐसे कर देते हैं, तीन कोण आपको नजर आ रहा पोजीशन एक ही। यहां पर यूं हो रहा है कि जो थीटा जनाब है, थीटा वन बड़ा है, थीटा टू से छोटा है और थीटा थ्री सबसे छोटा है। तो यहां पर जिसका कोण बड़ा होगा वहां पर स्थिति में परिवर्तन उतना ज्यादा नजर आएगा। एक्चुअल स्थिति में परिवर्तन तो नहीं हो रहा ना, वास्तव में तो हो नहीं रहा लेकिन आभासी रूप से हो रहा है, तो इसकी स्थिति में उतना ज्यादा परिवर्तन आपको नजर आएगा। आप इस बात को ऐसे सोच सकते हैं, आप एक ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन में दोस्तों के साथ बड़ा मजा आता है भाई, ट्रेन में बैठ के जाना या ऐस करना भाई कि ये चीज खरीदो वो चीज खरीदो, पापा के साथ तो इतना मजा नहीं आएगा ना, पापा की इज्जत करी भी कुछ खरीदना है तो चलो चुप बैठ जा कुछ नहीं बोलना। तो ये दोस्तों के साथ आप ट्रेन में जा रहे हो, बाहर का नजारा आप एंजॉय कर रहे हो, तो बाहर आप देखते हो तो उसमें क्या होता है कि जो नजदीक वाले पेड़ होते हैं, या बस में बैठे हो तो नजदीक वाले जो पेड़ होते हैं आपको ऐसा आभास कराते हैं कि वो नजदीक वाले पेड़ बहुत तेजी से पीछे भाग रहे, टू डू 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 करके, और आप ट्रन 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 करके आगे, ट्री टी टी करके आगे जा रहे हो, आगे भाग रहे, वो किधर भागते हैं पीछे नजदीक वाले। तो यहां देखिए नजदीक की पोजीशन है, इसके कोण में चेंजिंग, देखो हम लोग ए से बी पर ही गए हैं, इसको आप बी कर लो और इसे चलो ए कर लेते हैं, हम किधर से किधर जा रहे हैं, ए से बी पर ही जा रहे हैं, हम ऐसे ट्रेन से छकक छकुक करके आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारी जो नजदीक वाले पेड़ है उनके लिए ये एंगल में चेंजिंग ज्यादा हो रही है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि इसकी पोजीशन बहुत तेजी से बदल रही है, हट रही है। लेकिन यही काम जब आप एक दूर स्थित पेड़ को देखते हैं या पहाड़ को देखते हैं, तो वहां पर क्या होता है यार, वहां पर तो वो बहुत धीरे धीरे पीछे जा रहा, या बहुत दूर है तो ऐसा लगता है कि वो एकदम स्थिर है, जा ही नहीं रहा है। तो समझना है आपको, यहां वस्तु होगी तो जब आप इधर से आए यहां से, तो आपका यहां देखना आपका इतना तेजी चेंज हो रहा ऐसे, यहां से यहां चेंज हो गया ड्रूम ड्रूम करके, इतना चेंजिंग हो रहा है एंगल इसके लिए। अगर ये दूर होता तो दूर वाले कैसे रहते, नजदीक वाले को इस तरह चेंजिंग होती है कि नहीं होती है, ऐसे होती ना, होती कि नहीं होती है, सही होती है। और दूर वाला होता तो कैसा था, ओ टू टू ऐसे करके, टू टू ऐसे करके होता, होता कि नहीं होता, बहुत आराम से होता, ये वाला छक छक जल्दी जल्दी होता है। तो इसमें जो ट्रेन जा रही होती है
तो नजदीक वाले पेड़ बहुत जल्दी जल्दी पीछे भागते हैं और दूर वाले पेड़ स्लो स्लो, क्यों? क्योंकि इसमें एंगल जो चेंजिंग होती है दूर वाले के लिए बहुत कम, और अगर हम इसको दूर बनाते ना तो और छोटा कोण होते जाता, तो बहुत छोटा हो जाता दूर जाते जाते, तो हम लोग यूं कह लेते हैं कि उसमें चेंजिंग बहुत कम होती या होती ही नहीं। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो इसे आप ऐसे कहीं पर नोट कर सकते हैं, एक मिनट के लिए फटाक से आप नोट करें, अच्छे से नोट कर लीजिए टक। ओके, आप इसे नोट कर लिए होंगे तो मैं मिटा दूं। सारी कहानी इस तरह की थी और लंबन बड़ा मजेदार है। तो यहां पर एक चीज ये भी है कि जो स्टार होते हैं, बाल थोड़ा बिगड़ गया भाई, थोड़ा सही कर, तो जो स्टार होते हैं, तारे, हीरो नहीं स्टार भाई, तारे, तो जो तारों से प्रकाश आता है वो समांतर टुक करके, इसलिए हम लोग रात में भागते, बचपन में बहुत दौड़े हो गए कि चंद्रमा देखो मैं भाग रहा हूं, चंद्रमा भी मेरे पीछे पीछे आ रहा, और आ रहा आ रहा, फिर रुक गया वो भी, फिर दौड़ने लगे, फिर वो चलने लगा साथ में, सारी चीजें आपने देखा भाई है कि नहीं देखा है। तो जो तारे हैं, दूर स्थित जो तारे हैं, उनसे प्रकाश हमेशा समांतर आता है। तो यहां मैं लिख दूं, दूर स्थित तारों से लाइट मतलब प्रकाश कैसा आता है, हमेशा पैरेलल मतलब समांतर, समांतर मतलब पैरेलल आता है राइट, ऐसा आता है। तो यार हम एक पृथ्वी बना लेते हैं, आता है तो एक पृथ्वी भी क्रिएट कर लेते हो, क्या दिक्कत जाती है। हमने एक यहां पर ऐसे पृथ्वी बना दिया, ये भाई पृथ्वी जो है ना बहुत गरीबों की पृथ्वी है, पंकज सर से बना रहे हैं पृथ्वी को, किसने बनाया भाई, तो आप कह देंगे पंकज सर ने बनाया पृथ्वी को, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स वाले ने बनाया, ओके अच्छा, ये तो एकदम नहीं बना पा रहा है भैया, क्या कर रहे, गंदा इतना कर रहे हो, कैसे बनाओगे यार, बच्चे का सिखा रहे हो, हाँ मैंने सीखा है पहले से, अब लो सीखो, कैसा बना दिया भैया, गंदा गंदा कर रहा है, इतना गंदा कर रहा है, ये हमेशा किधर भाग रहा है, ये भाई इधर जा रहा है, इसको थोड़ा सा मिलाना, बस इतना परेशान था। ओके, यहां पर एक स्टार है, ये रहा आपका स्टार, स्टार मीन्स तारा, और ये पृथ्वी की दो पोजीशन है, कोई भी आप लिख सकते हो ए और बी, इसको चलो मान लो पी, इसे चलो हमने क्यू कर दिया, इसके बीच की जो दूरी है यानी कि इसका जो व्यास है वो हम लोग कह देते हैं कि इस मान, एंगल दो है, अलग अलग हमने पोजीशन से उसे देखा है, एक बार हमारी पोजीशन यहां थी, हमने देखा लाइट, फिर हमारी पोजीशन यहां आ गई, अब हम लाइट को देख रहे हैं, तो दो पोजीशन, टक टक, नहीं समझ पाए, थोड़ा उसे फील करो यार, बढ़िया से उसे अंदर उतारने की कोशिश करो, एक ऐसा एक ऐसा, एक पोजीशन यहां, एक पोजीशन यहां, ऐसे करके ऐसे पोजीशन बन जाती है, नहीं बने दो पोजीशन, ये दो पोजीशन है उसी की। यहां पर जब हम थे तो इसके लिए एंगल कुछ बन रहा था, इसके लिए कुछ बन गया, थीटा वन थीटा टू बन गया, इसकी दूरी चलो हम लोग यस कर लेते हैं जैसे यस मान रहे थे। यहां पर अगर हम इन दोनों एंगल की बात करें, जैसे हम मान लीजिए एंगल की बात करें कि एंगल बड़ा सा ए पी बी, तो टोटल एंगल थीटा वन, ये कौन थीटा, इस तरह से थीटा बनता है, थीटा वन प्लस थीटा टू, ऐसा फिर उसी तरह का यार, अगर हम इसे इस तरह के चाप लेते और एक वृत्त इस तरह बना लेते, तो ये जो ये आता ए बी, उसकी परिधि पर कहीं आ जाता, तो उसकी परिधि पर अगर आ जाता तो हम बड़े आराम से कह देते वही पुरानी बात, क्या कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, कोण कितना, थीटा वन प्लस थीटा टू बराबर चाप, इसका कितना है
ये पूरा चाप है तो ए बी हो गया, तुमने इसको ए बी कह दिया। इसकी त्रिज्या यस है, तुमने यस कर दिया। बी बराबर यस थीटा वन प्लस थीटा टू। ओके, अगर इस फॉर्मूले को उसी तरह आप देखना चाहते हो उसी नजरिए से, तो आप ऐसा कर लो कि इस थीटा वन प्लस थीटा टू बराबर थीटा को मान लो, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर हो गए। तो क्या हुआ भाई, तब तो ये b बराबर यस गुणे थीटा इसी तरह डाला, ऐसा फॉर्मूला है ना। आप इसे देख लीजिए एक बार, अच्छे से नोट कर लीजिए, बढ़िया से इसे नोट करिए, उसके बाद आगे। ओके, आप इसे लिख लिए होंगे, बहुत अच्छा। चलिए हम लोग अब एक इसी तरह का और भी समझते हैं मेथड, बहुत बढ़िया है भैया, मजा आ रहा है इसको पढ़ के, मजा आ रहा है, फील करना सीख लो एकदम, फिजिक्स बड़े मजेदार ढंग से आएगी ना। हमें किसी में से दूसरा स्टेप चुनते हैं कि आकाशी आकाशी पिंडों का आकार की गणना। ये तो थोड़ा अजीब सी थिंकिंग लग रही कि हम लोगों उस आकाशी पिंड को इतना दूर देख के हम कैसे उसका आकार निकाल पाएंगे, तो आकार बड़े आराम से निकालोगे भाई। मान लो कि जो है यह एक आकाशी पिंड, तारा और जो भी है, चंद्रमा है, कुछ भी आप मान लो, इसको हम क्या सोचेंगे, एक डिस्क है। डिस्क में समझते हो, जैसे हमें उसका स्फेरिकल पार्ट तो ऐसे नहीं समझ पाएंगे, तो हम क्या सोचेंगे कि जो ऊपर जैसे स्फेयर इस तरह रहता, तो हम इस तरह अगर सोचते ऐसे करके, तो एक डिस्क बनती, एक तवा बनता, ऐसे करके नहीं सोच पा रहे हो, ऐसे ऐसे, फिर ये वाला बीच में उसमें एक तवा की तरह बनता, तो हम उसे एक डिस्क के फॉर्म में सोच लेते हैं। और अगर हमने डिस्क के फॉर्म में सोच लिया तो हमको कुछ चीजें और सीखनी पड़ेगी, और वो चीज सीखने के लिए टेढ़ा मेढ़ा फिगर सीखनी पड़ेगी, थी उड़ी टेढ़ा मेढ़ा फिगर सिखाएंगे सर। क्या सर जी? ओके सर जी, ये पृथ्वी है, टकुक करके पृथ्वी, इसे आप कुछ भी मान सकते हो, कुछ भी आप कह लो पृथ्वी, मैंने इसको कह दिया तो कुछ हो सकता है, वो वाला पिंड चंद्रमा हो सकता है, कोई तारा हो सकता है ना। तो इसकी जो व्यास है उसको हमने डी रख दिया, डी फॉर्म में व्यास, सब समझते हो, यहां से यहां तक दूरी, यानी ए से बी तक की दूरी डी कर दिए उसके व्यास को, राइट, उसका व्यास डी हो गया, और यहां तक की दूरी को हम कितना कर देंगे यस, और इस कोण को थीटा, जैसा था उसी तरह का मान लो कि थीटा था इसका, थीटा क्या जाता। तो हम क्या किए हैं, उसको दो पोजीशन से देखते हैं, यहां पर खड़े होते हैं अर्थ पे, एक जगह हम ऐसे देखते हैं, फिर हमको एक इधर, तो हम उस दोनों पोर्शन को सोचते हैं कि एक इस पार्ट वाले के लिए पॉइंट ले लेते हैं, इस पार्ट वाले के लिए जो हमको एक डिस्क के फॉर्म में दिख रही है, ऐसे हम उसको यहां पर मिला देते हैं, सेंगल को थीटा कर लो, सेम प्रॉब्लम उसी तरह की। और फिर अब इसके लिए ये अगर सेंटर होता, कुछ समथिंग पी ले लो, चलो ये सेंटर होता, तो आपका ये इस तरह का एक बन जाता है ना, और ये बनता तो इस तरह का पूरा हो जाता, इस तरह का पूरा बन जाता। और अगर ये बन जाता तो भाई फिर वही कहानी, कोण बराबर चार बटे त्रिज्या हम कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम, तो इसको हम लोग उसी तरह का चार बटे त्रिज्या कर लेंगे, तो कोण बराबर क्या भाई, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो कोण कितना थीटा, थीटा अल्फा जो भी आप मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं उसमें, तो चाप इसका कितना, यही डी हो गया, कोण कितना, त्रिज्या कितनी, यस हो गया, तो डी बराबर कितना हो गया, यस गुणे थीटा, इस तरह का फॉर्मूला बन गया, राइट। उसमें हम दो चीजें फाइंड कर सकते हैं, उसका आकार ऊपर वाले का, दूरी ज्ञात कर सकते हैं, है ना, उसमें हम पृथ्वी का व्यास भी ज्ञात कर सकते हैं, हालांकि उसका व्यास तो हमें बताइए, तो किसी ग्रह का दूसरे ग्रह का हम व्यास भी ज्ञात कर सकते हैं, इसे आप नोट कर लीजिए एक बार, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं।
ओके, तो आज एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्या हम लोग तीन क्वेश्चन करेंगे एक ही बात छोड़ दो, तो ये क्वेश्चन है नहीं बल्कि कह सकते हो एक हम इसको एक फॉर्मूले की तरह यूज करेंगे। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्न कोण को रेडियन में परिवर्तित कीजिए। तो हमारे पास है 1 डिग्री, 1 मिनट, 1 सेकेंड और हमारे पास इतना कुछ दे दिया, ये सब दिया गया है यहां से यहां। तो इसी के आधार पर हमको 1 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है। तो आइए इसका सोल्यूशन करते हैं, बड़ा मजेदार सोल्यूशन है बस का होगा भाई सोल्यूशन। यहां पर हमारे पास है 360 डिग्री बराबर 2π, से कैंसिल करोगे तो 180 डिग्री बराबर पाई। ये जो आएगा ये किसमें रहेगा, रेडियन में। हाँ रेडियन लिख दो, हाँ ओके रेडियन हो गया, समझ जाते हो ना रेडियन ऐसा होता है। यहां से अगर हम 1 डिग्री करें तो 180 उधर चला जाएगा, यानी कि पाई बटा 180, ये किसमें आएगा भाई रेडियन में। पाई का मान रख के इसे हल करेंगे तो आपको मिलेगा कितना भाई, कि मिलेगा इसमें ये देख लीजिए कि कितना आएगा इसमें, 1.745 गुणे 10^-2 और ये आपका आएगा रेडियन, हिंदी में लिख देते हैं रेडियन। तो एक अंश बराबर इतना रेडियन होता है, ये हम लोग इसके लिए समझ सकते हैं। दूसरा, ये तो पार्ट वन हो गया सॉल्व। दूसरा पार्ट इसका कह रहा है कि आपको 1 मिनट में कितना रेडियन होता है ये देखना है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि यहां से देखिए, एक अंश बराबर 60 मिनट होता है, इसने दे दिया से। तो क्या करना यार, इसके 60 को उधर भाग दे दो, तो 1 मिनट बराबर 1 अंश/60 और आपने 1 अंश को तो बदल लिया है ना, यहां देखो 1 अंश को रेडियन में चेंज कर लिया, तो रख दो उसकी वैल्यू 1.745×10^-2 / 60 और ये किस में आएगा, चलो बाद में आएगा। तो ये आ जाएगा, ये आएगा कितना, बोलो बोलो कितना आएगा, ये आएगा 2908×10^-4 और ये आपका आएगा रेडियन। ओके इतना रेडियन आएगा, देख लो अच्छे से, इसमें इतना रेडियन आएगा, आराम से आ जाएगा इतना रेडियन, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं कि रेडियन में कोई दिक्कत हो जाए और आपको नहीं आए, तो एकदम बिल्कुल एग्जैक्टली आ जाएगा। तीसरा स्टेप इसमें क्या हो सकता होगा, देखिए तीसरे में क्या करा, 1 सेकेंड को आपको बदलना है रेडियन में। तो 1 सेकेंड पहले तो चेक करो यार, यहां पर देखो, यहां पर आपको दिया है कि 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, तो पाई हो गई तो सेकेंड हो गई, इसमें से 60 को इधर भाग दे दो तो एक यहां बच जाएगा, 1 सेकेंड बराबर 1 मिनट/60 बराबर 1 मिनट को हमने ऊपर चेंज कर लिया है 2.908×10^-4 / 60 ऐसा हो जाएगा और इसे आप हल करोगे तो 1 सेकेंड बराबर आएगा 4.85×10^-6 और ये आपका आएगा रेडियन, है ना भाई। तो सबसे ज्यादा इसमें जो महत्वपूर्ण है ये चीज है आपका महत्वपूर्ण, इसे याद रखिएगा, आगे हम लोग जब सवाल आएंगे तो उसको हम लोग कर लेंगे इसी तरह। इसे आप अच्छे से देख लीजिए, उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जैसा भी 1 मिनट की टाइम है, चलो उतार लिए, बहुत अच्छे। अगला सवाल पे चला जाए भाई, हाँ चला जाए भाई। तो अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। ओके अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यूं आ ओके, इस सवाल को पढ़ते हैं, चलो पढ़ते हैं भाई, पढ़ो पढ़िए सवाल को। पृथ्वी पर 2 स्थितियां ए बी उसके व्यास ही हैं, मतलब उसके व्यास से उसकी स्थितियां हैं। एक बार इस गोले किनारे पे, इस गोले किनारे पे भी बनाते हैं। तो चंद्रमा को परिचित किया जाता है, 2 स्थितियां हम बना देते हैं कि मान लीजिए कि यह गोला है, नीचे दिख रहा है। ओके ऐसा व्यास, ये इसका व्यास है टर्न और टर्न। ओके इसकी 2 स्थितियां हैं जो व्यास के है, व्यास में। ओके हां जी बोल लियो,
समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा होगा। आ रहा होगा। हमने ऐसा कर दिया, दो व्यास की स्थितियां बना दिया। फिर कह रहा दोनों स्थितियां द्वारा चंद्रमा पर बना कोण, चंद्रमा पर। अब यहां से हम दो स्थितियां लिए जो है, ऐसे कर दिए, ऐसे। ई बेचारा है चंद्रमा, ऐसे नहीं बोलते भाई, चंद्रमा है ना। ओहो, थोड़ा सा गड़बड़ गया, तो चंद्रमा को अच्छे से बना देते हैं। ले भैया चंद्रमा बन जा, लो 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 लो, चंद्रमा है ये, बन गया भाई चंद्रमा। ये आपकी है पृथ्वी, ओके। यहां पर बनने वाला कोण दोनों स्थितियों में, इसके लिए और इसके लिए भी कोण बनता है। ये चंद्रमा है तो यह हम कर लीजिए मूव। इसका व्यास उसने दे दिया है और ये आपसे पूछ रहा है इसकी दूरी, बी मान लो यस मान लो, जो भी आप कर लो, कुछ भी मान सकते हैं, है ना। तो देखो भाई, हमारे पास जो कोण दिया है उसमें दिया है 1:54 दिया है, और हम रेडियन में उसे कन्वर्ट करेंगे तो अब देखेंगे ना भाई। तो कोण हमारे पास थीटा बराबर 1:54। जैसे 1.50 रुपया होता है तो उसे हम कहते हैं कि पैसे में चेंज करो, तो क्या करते हो, जो 1 रुपया होता है उसमें 100 पैसा + 50 है ना, 150 पैसा हो गया, 150 पैसा। उसी तरह इसको कन्वर्ट करो, इस तरह से 1:60 होता है और ये वाला 54 मिनट, यानी कि यह हो गया 114, सही है 114, हाँ 114 मिनट। मिनट थोड़ा ऐसे ले लो। अच्छा, मिनट को अंश में, मिनट को सेकंड में बदलना होता तो क्या करना है, 60 का गुणा कर देना, 60 का सेकंड में गुणा कर दिया, 114 × 60, ये किसमें हो गया, सेकंड में, 2 पड़ी पाई हो गई, सेकंड हो गया। और हमने पढ़ा है कि 1 सेकंड में, यहां पर चूंकि 1 सेकंड में 4.85 × 10⁻¹⁶ रेडियन होता है, इतना होता है। तो भाई साहब इतने मिनट के लिए, इतने सेकंड के लिए इसमें गुणा कर देंगे, इतने सेकंड के लिए इतना रेडियन हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, 114 × 60 × 4.85 × 10⁻¹⁶। इसे आप हल करेंगे तो 3.32 × 10⁻², यह रेडियन आएगा इतना, हल वल करने के बाद आ जाएगा इतना, ओके। तो हमने इसको चेंज कर लिया, कन्वर्ट करने आना चाहिए। फिर उसी तरह का अगर हम कोण बराबर लिखेंगे तो ये 4/3 हो जाता है, कोण बराबर 4/3। यहां क्लाइंट दिखेगा तो देख लीजिए, कोण बराबर 4/3। कोण इसका कितना है, थीटा है, दिख रहा है ना इसमें, कोण थीटा है और चाप कितना है, डी है, और दूरी कितनी है, यस है, हमको दूरी बतानी है, यस बराबर डी बटे थीटा। डी क्या है, इसका व्यास है, उसने दे दिया यहां पर इसका व्यास, तो यस बराबर कितना हो जाएगा, देख लीजिए आराम से, थोड़ा और नीचे आप देख लीजिए लिखकर। तो यहां पर डी का मान वो वाला 1.276 × 10⁻¹⁷ बटा थीटा का मान यहां से 3.32 × 10⁻²। इसे आप सॉल्व करोगे तो 3.84 × 10⁸, ठीक मीटर, इतनी दूरी आएगी के आसपास, अप्रोक्सीमेटली इतनी आंसर आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली इतना आंसर आपका करेक्ट से आ जाएगा। इसे आप अच्छे से देख लीजिए एक बार, बढ़िया सवाल है, अच्छा से फील करिए, बढ़िया से समझिए। तो इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे, तो इसे आप देख लीजिए एक बार बढ़िया से, स्क्रीन आप रोक सकते हो यहां पर, देखिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 पता कर लो भैया, क्वेश्चन नंबर 3 है और लगा हुआ लग रहा है इनको। तो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये यह एक विख्यात तथ्य है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण की अवधि में चंद्रमा की चक्रिका, मतलब चंद्रमा की जो डिस्क है, एक डिस्क की तरह माने,
तो सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है। इस तथ्य के आधार पर चंद्रमा का व्यास लगभग ज्ञात करिए। इसी तथ्य को मान लीजिए और इसमें आप चंद्रमा का क्या करिए, व्यास ज्ञात करिए। आइए तो यहां से देखिएगा, हम ऐसे इसको समझाने की कोशिश करते हैं, आप समझिएगा बढ़िया से। यहां चंद्रमा है, ये सूर्य, और यहां ये पृथ्वी, तो ये हुई पृथ्वी टक ई, ये आपका है चंद्रमा यम, ये आपका है सूर्य यस। ओके, इस चंद्रमा का जो व्यास है ट्रम करके वह डीएम है, सूर्य का जो व्यास है उसको हम लोग डीएस कह देते हैं, कोई फर्क परेशानी कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर एंगल जो बन रहा है वो थीटा है। ओके, इस सूर्य से चंद्रमा तक की जो दूरी है, ऐसे मैं दूरी दिखा लू, ऐसे इसकी जो यहां से दूरी है उसको चलो हमने कह दिया कि यह स्मॉल ई, स्मॉल आर ई एम है, मतलब समझ पाए पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी है ई वाली टक टक। इस पृथ्वी से सूर्य की दूरी आर ई एस है, ऐसे मैंने बता दिया कि आप ऐसे सोच लो, थोड़ा सा आसान सा काम हो जाएगा। इतना काम आप अच्छे से सोच सकते हो कि यहां से ये पृथ्वी है, दिख रहा सबको, पृथ्वी से ये कुछ दूरी पे चंद्रमा है, फिर सूर्य है, तो यहां पर हुआ ये है कि ये इसको पूरी तरह से ढक ले रहा है। इसका मतलब ना, इसके लिए जितना कोण बन रहा है इतना इसके लिए कोण बन रहा है, तो दोनों ढका हुआ ना प्रतीत होता है, इसकी कहानी है। यहां से इसकी दूरी आर ई एम, यहां से इसकी दूरी आर वाई आर ई एस है, इस तरह की इसका व्यास डी एम, इसका व्यास यहां तक, इसका व्यास, इसका भी व्यास वैसी तरह ऐसे व्यास का। तो फिर क्या करना है, कोण अगर दोनों के लिए देखा जाए तो कोण बराबर चौपट त्रिज्या हो जाएगी, तो दोनों के लिए जनाब कोण सेम रहेगा। यहां अगर आपको दिखे तो एक लाइन में लिखना चाहूंगा, नहीं जाने दीजिए कोई बात नहीं, तो बोलिए दोनों के लिए कोण तो सेम रहेगा, तो थीटा बराबर चौपट त्रिज्या, चाप मीन्स इसका व्यास, तो यहां से डीएम त्रिज्या इसकी, इस वाले के लिए त्रिज्या आर ई एम बराबर, इसके लिए भी उतना ही कोण रहेगा, तो डीएस अपान इसकी दूरी कितना यहां से आर ई एस, हमें किसका व्यास बताना, दोनों के लिए कोण बराबर है, बात समझ में आ रही है, दोनों के लिए जब बनेगा तो ये उसको पूरी तरह से ढक ले रहा है, तो जितना कोण इस वाले के लिए बना है इस पे पृथ्वी पर उतना ही कोण सूर्य वाले के लिए भी बना है, तो ये बड़ी सी चीज है, एक छोटी सी चीज है, दोनों का कोण अगर बराबर हो जाएगा, दर्शन कोण जिससे हम देखते हैं, तो वो वस्तु उसको ढक लेगी, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी होती है, छोटी वस्तु बड़ी वाली वस्तु ढक लेती है, ऐसा काम है इसमें। यहां से डी एम बराबर डी एस गुणे डी एस बटे आर ई एस गुणे आर ई एम, ऐसा हो जाएगा, देख लीजिए अच्छे से। यहां से हमको डीएम का मान चाहिए, डीएम का मान, ओहो हो, डीएस का मान, डीएस मीन्स क्या, सूर्य का व्यास, सूर्य का व्यास यहां दिया है 1.39 × 10⁻¹, ये आर भी ऊपर है, तो आर क्या है, आर ई एम क्या है, आर ई एम, आइए आर ई एम पृथ्वी से चंद्रमा तक की दूरी है, तो पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी इतनी है, मतलब कि 3.10⁸ डिवाइड बाई, ये क्या है, कौन, आर ई एस, आर ई एस क्या है, आर ई एस इस पृथ्वी से कहां तक की दूरी है, आर ई एस यह पृथ्वी से कहां तक की दूरी है, यह पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी है, कितनी है, यहां पर दिया है पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी
5 × 10^11। इसे आप घर पे बैठ के आराम से सॉल्व करोगे तो इतना इसका आंसर आ जाएगा, राइट। तो इस डीएम का मान इतना आएगा, ऐसे करके देख लीजिए अच्छे से। बढ़िया सवाल था और बहुत अच्छे अच्छे सवाल आपको मिलेंगे भी। आप इसे अगर देख पाए हो तो फिर मैं आगे थोड़ा बढ़ूं। ये यहां तक समझ आया, इसे आप इसके शॉर्ट वगैरह कर लीजिए और आपको वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताया करिए। और इस तरह से आपको बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन हम यहां कराएंगे, बहुत अच्छे अच्छे लेवल का, मजा आएगा करके भाई। इंटरेस्ट आपसे भर जाओगे कि फिजिक्स वाकई में इंटरेस्ट आ रही है। उस तरह सब डरते हैं, फिजिक्स बहुत कठिन, कठिन नहीं है, आप बस